उधर झलावाड़ रोडवेज डिपो परिसर में राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों और पेंशनर्स ने 21 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया और एक घंटे का कार्य बहिष्कार कर दिया। इस दौरान कार्मिकों के कार्य बहिष्कार के चलते एक घंटे तक यात्रियों को भी खासी परेशानी देखनी पड़ी। हमारी 21 सूत्री मांग पत्र है जिसमें एक महीने की एक तारीख को पेंशन और वेतन देना सुनिश्चित किया जाए। प्राधिकरण के जो आदेश राज्य सरकार ने कर रखे प्राधिकरण के वापस लिए जाए। राष्ट्रीय जो मार्ग किए सरकार ने उन राष्ट्रीय मार्गों को वापस राष्ट्रीकरण किया जाए। इसके अलावा जो रोडवेज का जो घाटा बढ़ रहा है उसके लिए नई बसें खरीदी और जनता को सुगम यातायात सुविधा मिले उसलिए 2000 नई बसों की आवश्यक भर्ती आवश्यक है। वही 12 में भी रोडवेज कर्मियों 3 माह से बकाया वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं होने पर रोडवेज बस स्टैंड पर एक घंटे का कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्मिकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज्य सरकार को पूर्व में 21 सूत्री मांग पत्र के चक्कर में नोटिस दिया गया है, उसके चौथे चरण में आज पूरे राजस्थान में आज एक घंटे का चक्का जाम है और सभी कार्यालय और सभी तकनीकी कर्मचारी परिचालक चालक अपने काम का एक घंटे का बहिष्कार करेंगे। राज्य सरकार की अर्थ अर्मिता के कारण कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, ये 3रा माह चढ़ रहा है।